बर्बाद कर दिया। कतई खाली होगा रोड पे आ गया, रात को रोड पे आ गया, कोई नोटिस नहीं दिया, कतई नगर निगम ने भी नोटिस दिया, नगर निगम ने भी नोटिस नहीं दिया हम लोग को खाली करने। और रेलवे की भूमि और नगर निगम के एक अधिकारी आए थे, मैंने पूछा साहब ये कौन खाली करवा रहे, खन्ना जी खाली करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारे श्रीमान खन्ना जी जो है पहले पिछले महीने के 8 तारीख को आए थे, ना यहाँ के खन्ना जी ने कुछ हम लोग जगह हटाओ, ना पुलिस ने नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया, ना रेलवे का आदमी आया, कोई नहीं आया। और यहाँ तत्काल हम लोग सबसे ज्यादा बस हटाओ। लाठी के डंडे के दम पे और जो है जेसीबी ला के खड़ी कर दे के फटाफट हटाइए, नहीं तो तुम लोग को जेल में डाल देंगे। और सुना आपने, लेकिन विस्तार से हम आपको बताएंगे नजारा ये गर्रा पर का है, चौकी राजघाट के पीछे का। ना तो नगर निगम ने नोटिस दिया, ना कोई चेतावनी दी, ना समय सीमा दी। और क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि एक दरोगा एक सिपाही आने के बाद में आतंक करा और आतंक करने के बाद में सब फेंक फाक दिया। क्षेत्रवासियों को बहुत कुछ कहना है, हम आपको आगे सुनवाएंगे। 85 परिवार कहां जाएंगे अब, लोगों ने क्या कुछ कहा विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें रेलवे की जमीन पर ये लोग अपना कारोबार करते थे, इनका ये कहना मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया, ना मुझे बताया गया, अचानक आके क्या करा और वो भी किसने, एक दरोगा एक सिपाही। आखिर ये कौन है दरोगा सिपाही, अधिकारी है, डीएम है, एडीएम कौन है, क्या कहना है क्षेत्रवासियों का, जरा खुद ही सुनिए। अजय वीरपाल सिंह चौकी इंचार्ज उपिंदर सिपाही, ठीक है, ना तो सट्टा कोई बंद करा पाया, ना इसमें कोई बंद करवाया, कुछ नहीं बंद करवा पाया, ठीक है। यहाँ पर राजघाट चौकी के पीछे उनकी नजर थी, उन्होंने अपनी टीम मंगा के हम लोग का सब टैग नैश कर दिया, बर्बाद करवा के हम लोग। लेकिन सबसे बुरा हाल पप्पू डेंटर का है, क्योंकि वो हार्ट के मरीज हैं, क्या कुछ कहना है जरा ये भी सुनिए। लोगों ये हटाने से पहले किसी को नोटिस आप लोगों को दिया गया? किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया हम लोगों को कतई भी, तत्काल में भी सब 11:30 बजे आओ के बस हटाओ, जेसीबी ला के खड़ी कर दी। तो ये तो रेलवे की भूमि है, तो पुलिस से क्या मतलब है? ये रेलवे की भूमि है, ना रेलवे का कोई अधिकारी आया, ना कर्मचारी आया, ना कोई दरोगा आया, ये सब जो है ये चौकी इंचार्ज वीरपाल अपने बलबूते पे करवा रहे हैं, अजय वीरपाल। और उन्होंने किया तो बरेली मोड़ पे जैसा हुआ था वैसे समझ लो वैसे ही करेंगे तुम लोग कर। ये कहा है रेलवे का कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया? स्वयं कोई मौके पे नहीं आया, ना भी आया, और हम लोग का इतना सब तय करवा दिया। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा आपसे? इन्होंने जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो कहा जी आप तुरंत हटवाइए इसको, जो है जिसको जैसी भी आ रही है 15 मिनट में और 1 घंटे में जैसे तय कर देंगे आपका, हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोग हटा रहे हो? ये मजबूरी है। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? हम लोग कम से कम 70 लोग हैं इतनी जगह पे, राजघाट चौकी से लेके और राजघाट के राजघाट चौकी से पीछे से लेके और जहाँ पे जो पुलिया बंगस में बन रही है वहाँ तक हम लोग करीब सब 85 लोग हैं, 85 लोग कारोबारी। और क्षेत्रवासी सुरेश कुमार खन्ना से भी नाराज है, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना ने तो कहा नहीं कि हटना है, ये कहना है क्षेत्रवासियों का, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। श्रीमान खन्ना जी जो है पहले पिछले महीने के 8 तारीख को आए थे, तो यहाँ पे रोड पे एक लाठियों की दुकान है, वहाँ पे लाठियाँ उन्होंने देखी। फिर उसके बाद स्वयं 3 तारीख को अपना काफिला लेके यहाँ पर हमारे वर्कशॉप में आ गए, पप्पू डेंटर वर्कशॉप में। यहाँ पे काफिले समेत खड़े हो गए, हमने यूओ से बातचीत करी, उन्होंने बातचीत करने के बाद उन्होंने अपने यूओ से बात करी, जो खाली होना है, जो रोड बनना है, जैसे करना है ये करना है, मगर आज तक कोई नोटिस नहीं आया हम लोग। तो उन्होंने आप लोगों से नहीं कहा कि आप लोगों को हटना पड़ेगा? नहीं, जो कुछ नहीं किया हटने के लिए, खन्ना जी ने हम लोग से ये नहीं किया कि हटना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। कुल मिला के आपको बता दें लोग रो रहे थे, कलेजे पीट रहे थे कि हमको नोटिस भी नहीं दिया, हमको बताया भी नहीं, हमको समय भी नहीं दिया, हमारा क्या होगा, हम तो रोड पे आ गए, हमारे बच्चे कहां से खाएंगे। कुल मिला के जिला प्रशासन की घोर लापरवाही, ना तो चेतावनी दी, ना नोटिस दिया, ना समय सीमा दिया। आखिर अंधेर नगरी चौपट राज है क्या?